उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मुसलमानों ने ईद उल अजहा का त्यौहार सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की और मुसलमानों ने घर में रहकर ईद उल अजहा का नमाज अदा की और घरों के अंदर ही पशुओं की कुर्बानी भी की गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आया। हरदोई जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार मुसलमानों ने पूरी अकीदत और कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। बताते चले कि मुसलमानों ने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज अदा की, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर ही कुर्बानी की रस्म अदा की। इस मौके पर हरदोई जिले का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। DM पुलकित खरे और SP अमित कुमार ने पूरे शहर का भ्रमण किया और मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। वहीं DM पुलकित खरे ने सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए सभी नगरपालिका EO को निर्देश किया। उधर कस्बा शाहबाद में भी कोतवाल महेश चंद्र पांडे और CO अखिलेश रंजन और अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने पूरे कस्बे का भ्रमण किया और सभी से कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मनाने का अनुरोध किया। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। COVID-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी और काफ़ी सपोर्ट भी रहा सभी समाज के लोगों का, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का। इस ईद उल अजहा के अवसर पर अच्छा सपोर्ट रहा और सभी जगह उसी लिहाज से लोगों ने नमाज़ें अदा की और काफ़ी जगह नमाज़ें अदा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से इसको स्वयं स्वतः पालन भी कर रहे हैं नियमों का। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।